हेलो ऑल, आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप चाहते होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और टॉपिक्स लेकर आऊँ और आप लोगों से बात कर सकूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। वैसे तो ये केसेस बहुत कॉमन हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी दो तीन दिन पहले आई हैव अ क्लाइंट जो मेरे पास आया, यंग एडोलेसेंट बच्चा था और मुझे कहता है कि मैम आई एम 22 इयर्स ओल्ड, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, साल हो गया है और मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बर्डन करते हैं कि तुमने कमाना नहीं शुरू किया है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो अभी तक, और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं जो पता नहीं कितने समय से जॉब पे लगे हुए हैं, दे आर अर्निंग, दे आर फीडिंग देयर फैमिली, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता, और ये सब प्रेशर्स मुझे कहीं ना कहीं और डाउन करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे मम्मी पापा जब मुझे कुछ कहते हैं, मुझे इरिटेटेड फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस होता क्या है, हमारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं या कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हम वो ये सब चीज़ें सिर्फ किसी के बहकावे में आकर या उनकी धारणा के अकॉर्डिंग हम अपना सक्सेस का मीनिंग रख रहे हैं, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे वीडियोज़ को सुनने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अच्छी बातों को डिस्कस कर सकें। तो हम बात कर रहे थे सक्सेस है क्या। देखिए, सक्सेस की ना कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि मैं आपको बोलूं जी इसका तात्पर्य ये है और आप ऐसे चल लीजिए। हर किसी के लिए सक्सेस बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब है कि उनका अपना बिजनेस सेट हो जाए, किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब है कि एक सेटल्ड लाइफ हो, परिवार वाले सब आसपास घूमते हो, किसी के लिए सक्सेसफुल का मतलब है कि यार मेरे महीने की 75,000 रुपये तनख्वाह हो, किसी के लिए सक्सेसफुल होने का मतलब कुछ और है। हर किसी के लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग अलग है। मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब होता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ अगर मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ तो शायद मैं सक्सेसफुल हूँ। हो सकता है मेरी ये डेफिनेशन आपके साथ काम ना करती हो और आपको ज़रूरत भी नहीं है मेरी ये डेफिनेशन को फॉलो करने की। सक्सेसफुल होना एक अलग पैरामीटर है, तो आपके लिए अपनी सक्सेस की डेफिनेशन है, तो आपको वो सक्सेस की डेफिनेशन अचीव करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं और आपको परेशान करती हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले फैक्टर है एज। कई लोगों को लगता है कि यार मेरी तो 22 साल हो गई, 27 साल हो गई उम्र, 28 हो गई है, मैंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया है, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मैं क्या करूं, या लोगों के वो टैबूज़ कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले ये अवधारणा को निकाल दीजिए अपने दिमाग में से कि सक्सेस का सीधा लिंक आपकी उम्र के साथ है। ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो 21 साल में काम करने लगते हैं कम सैलरी के साथ, और कई लोग ऐसे भी हैं जो 25-26 साल में इंटर्नशिप करके बाहर निकल रहे हैं और फिर कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एज का कभी भी सक्सेस फुल होने के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप MBBS कर लीजिए, CA कर लीजिए, वो कहाँ जाके आपके 26-27 में ख़त्म होगी। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम प्रेजेंट में कैलकुलेट करें कि वो MBBS के थर्ड ईयर में और दूसरा बच्चा कहाँ से कहाँ जॉब कर रहा है? एज का सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियोस का सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है, आपकी खुद की इंटरनल सैटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा, अगर आप सच्ची में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कंपैरिजन छोड़िए। हम लोग कंपेयर बहुत करते हैं अपने आप को, मेरे फला फ्रेंड ने ऐसे किया है, उसने ऐसा किया है, वो ऐसा कर रहा है, हम अपने दिमाग की तो उपज को पनपने ही नहीं देते कि मैं खुद से क्या करना चाहती हूँ और मैं खुद से क्या सोचना चाहती हूँ। बस उसने ऐसे बताया था, उस आंटी ने ऐसे बताया था, वो अंकल ऐसे कह रहे थे, मेरे उस फ्रेंड ने ये डायरेक्शन ली है, मुझे भी ये करना है, और हम वहीं अंधाधुंध भागते चले जाते हैं। कुछ समय बाद हम जब गिरते हैं तो हम अपने बाकी लोगों को, लव्ड वंस को ब्लेम करने लगते हैं कि हमारे सक्सेसफुल ना होने के पीछे उनका हाथ है, उन्होंने मुझे फाइनेंस नहीं दिया, सही डायरेक्शन नहीं दी। गलती कहीं ना कहीं आपकी है कि आपने उस समय सुना ही नहीं, आप तो वो सुन रहे थे जो आसपास वाले लोग कह रहे थे, कभी खुद बैठ के एक कॉपी पेन लेके लिखने की कोशिश नहीं की कि मैं खुद से क्या चाहता हूँ।
कोशिश करें सक्सेसफुल होना आप पर्सनल रहने दें, रादर देन आसपास वाले लोगों से सुन रहे हैं या उनसे कुछ कह रहे हैं। ये तो हो गई आपकी खुद की बातें। अब बात करते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं सक्सेस की स्टेयर्स पर हैं, जो कोई कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव जल्दी होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो आपको नेगेटिव करता है और आपको उससे कैसे निकलना है, इसे सुनिए। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी कलीग जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना शुरू से, वो पॉजिटिव सुनते ही नहीं हैं। उनको पता होता है कि इस चीज़ में नेगेटिविटी निकालनी कैसी है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई दोस्त है तो कोशिश करें ज़्यादा उनकी बातों में एंगेज ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उनकी सोच बदल दूंगा, मैं उनके थॉट्स प्रोसेस को बदल दूंगा, तो वो गलत कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। 2 घंटे उनको समझाने के बाद 1 घंटा आप नेगेटिविटी से निकलने में लेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से जो हर चीज़ में गलत ही सोचते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उसमें अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग या ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिव कर रही हैं उन पर आर्ग्यू ना करें, बदलने की कोशिश ना करें। जितना आप उन लोगों को समझाएंगे या आर्ग्यू करेंगे वो चीज़ें उतनी ही बढ़ेंगी। आप खुद एग्जर्ट होंगे, आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पॉलिटिकल वे से या किसी और तरीके से इसमें अपने आप को जीतना है, और उसी जीत के चक्कर में आप अपने सक्सेसफुल डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएंगे। यही एक बात मैं पेरेंट्स को भी हमेशा बताती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को कोई बात मनवाने चाहते हैं, हम चाहते हैं वो ऐसा ना करे, तो हम उसे खुद के एग्जांपल्स देने लगते हैं या आर्ग्यू करने लगते हैं, हम उन्हीं की उम्र का आके उन्हें समझाने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं करना है। ये गलत है, आपका बच्चा आपसे छोटा है। कोशिश करें उसको तर्क वितर्क देने के अलावा उन्हें रूल्स को एस्टैब्लिश करना सिखाएं, जिससे आप भी बड़े रहेंगे और वो बच्चा बच्चे तक रहकर उन रूल्स को फॉलो करेगा। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपको सक्सेसफुल बनना है, कोशिश करनी है, तो अपने एम्स को क्लियर रखें। आने जाने वाले थॉट प्रोसेसेस को, सड़क पे आगे क्या आ रहा है पीछे क्या आ रहा है ना सोचें, सीधा चलें। हो सकता है सड़कें सीधी ना हो, खड्डे हो, डायरेक्शंस हो, ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, लेकिन आपको किसने बोला है कि आप आसपास के पेड़ों को देखना शुरू कर दें, वहाँ बैठकर आराम करने की बजाय वहाँ घर बना लें और वहीं के लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। कोशिश करें अपने एम्स में मूव करने की, चलते रहें। खरगोश और टोटोइस की रेस में प्रॉब्लम क्या थी? कछुआ चलता जा रहा था, लेकिन खरगोश रास्ते में आने वाली चीज़ों पे जम के बैठ गया क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो कीप ऑन मूविंग। डोंट नो किसकी उम्र से ज़्यादा किसे क्या मिलेगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप चलते रहें। एज कभी भी सक्सेस का मैटर नहीं होता है। कभी भी किसी और की सक्सेस की डेफिनेशन में आप उतर नहीं सकते। हर किसी की स्किल्स अलग हैं, दिमाग अलग है, इंटेलिजेंस लेवल अलग है, डेस्टिनी अलग है। तो कोशिश करें अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद तक रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेहा मेहता आपसे मिलती रहूँगी, जुड़ती रहूँगी, हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपसे और ज़्यादा बात कर सकूँ। किसी भी और टॉपिक पे बात करने के लिए आप नीचे कमेंट्स में अपना टॉपिक लिख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में कोई भी टॉपिक भेज सकते हैं जिस पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे विचारों को जानना चाहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट इफ़ यू लाइक इट। आपकी अच्छी बातें, आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए भी बहुत बड़ा बूस्टिंग पावर होगी। अगर आप यहाँ ये बातें शेयर नहीं करना चाहते तो आप मेरे फेसबुक लिंक से जुड़िए, मुझे ऑनलाइन बात करिए, मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपको इस पॉजिटिविटी में ला सकूं। मैं चाहती हूँ हर कोई सक्सेसफुल बने, क्योंकि मैं और आप या दुनिया का कोई भी लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी अपनी राह है, हमारी अपनी मंजिल है, अलग अलग डायरेक्शन है, कंपैरिजंस करने में ना पड़े। कीप ऑन अटैचिंग, कीप ऑन कमिंग टू मी। हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि मैं आपको एक अच्छी राह दे सकूं। तो मुझसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और प्यारी प्यारी और अच्छी मोटिवेशनल बातें कर सकें।